हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू हियर। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट आइटम रेट मेथड एंड रिवाइज एस्टिमेट। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर नोट्स आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है। सबसे आगे सप्लीमेंट्री का मतलब समझिए आप लोग। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एडिशनल चार्ट, जो एडिशनल में जो हम लोग अगर एस्टिमेट तैयार कर लिए, अगर उसके बाद में कोई हम लोग को अदर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए अलग से एस्टिमेट बनता है, जिसको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का नाम दिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में कि ये फ्रेश एस्टिमेट होता है। इट इज़ फ्रेश एस्टिमेट, फ्रेश एस्टिमेट ये फ्रेश एस्टिमेट होता है किसका, ऑफ एडिशनल एस्टिमेट, जो एडिशनल जो फिर से जो एडिशनल एस्टिमेट जो तैयार हो रहा है उसका ये फ्रेश एस्टिमेट होता है। जो एडिशन में जो एस्टिमेट हम लोग तैयार करेंगे उसका ये फ्रेश एस्टिमेट होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है। तो इट इज़ फ्रेश एस्टिमेट ऑफ एडिशनल, एडिशन एस्टिमेट बोल सकते हैं, ऑफ ही एडिशन बोल सकते हैं कि एडिशन जो एस्टिमेट हम लोग फिर से जो एस्टिमेट को तैयार करेंगे उसका ये फ्रेश एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट इसको लिख देते हैं कि इट इज़ फ्रेश एस्टिमेट। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि क्या कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है। इट इज़ फ्रेश एस्टिमेट ऑफ एडिशन एस्टिमेट, क्या जो दूसरा बार जो एस्टिमेट जो तैयार होगा उसका ये फ्रेश एस्टिमेट होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ये किसका किसका सम होता है, तो ओरिजिनल और उसके बाद में जो अलग से जो हम लोग एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं उसका ही समेशन होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट में क्या बोला जाता है। अगला पॉइंट जो है हम लोग का उसमें बोला गया है कि इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। अगर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क रहे, मतलब फर्दर डेवलपमेंट रहता है तब इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर फर्दर डेवलपमेंट रहेगा तब, फर्दर डेवलपमेंट जब रहेगा अगर वर्क हो रहा है, ठीक है, अगर कोई वर्क प्रोग्रेस में है और उसके बाद में हम लोग बोले नहीं इसके बाद भी हमको इस, जैसे अगर हम लोग बोलें कि ये एक बिल्डिंग है, अगर ये बिल्डिंग तैयार हो रहा है और इस बिल्डिंग में काम लगा हुआ है, हम लोग बोलें कि 10 फ्लोर तक बनाना है, 10 स्टोरी तक बनाना है, इसके बाद में फिर से कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे जो एक्चुअल जो मेंबर होगा, जो एक्चुअल ओनर होगा, वो बोल रहा है कि नहीं 10 नहीं अब 11 बनाना है, तो जो एडिशनल यहाँ पे जो एस्टिमेट तैयार होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब बनाते हैं हम लोग, तो फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जैसे 10 to 11 जब शुरू से माना गया है कि 10 के लिए, अब बाद में बोला जा रहा है कि 11, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डेवलपमेंट में हम लोग यूज करते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को। अब इसके आगे जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो पॉइंट क्या बोलता है, हम लोग इसको ध्यान देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट शुड शो द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल एस्टिमेट एंड टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री अमाउंट। जो एब्स्ट्रैक्ट जो वहाँ पर तैयार होगा, जो एब्स्ट्रैक्ट जो तैयार होगा उस क्या क्या कंटेन करना चाहिए, इसके लिए बात बोला जा रहा है कि ओरिजिनल कंटेन करना चाहिए कि ओरिजिनल में उसको कितना था, और उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री लगा, ओरिजिनल प्लस सप्लीमेंट्री कंटेन करना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट जो फिर से बनेगा ना उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट में ओरिजिनल और सप्लीमेंट्री दोनों अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए। तो ये तीन पॉइंट के जरिए सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को हम लोग समझते हैं कि सप्लीमेंट्री, शुरू से हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है। इट इज़ फ्रेश एस्टिमेट ऑफ एडिशनल एस्टिमेट, ये क्या है, एक फ्रेश एस्टिमेट है जो फिर से बनाया जाता है। एस्टिमेट वो है जब एडिशनल एस्टिमेट हम लोग तैयार करेंगे तब, और ये कब बनाया जाता है, तो फर्दर डेवलपमेंट में इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर फिर से जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है 10 स्टोरी का, फिर हम अगर वहाँ पे जो मेन जो वहाँ पे ओनर है अगर वो बोलता है कि नहीं अभी 11 स्टोरी का बनवाना है, तो वहाँ पे 11 के लिए जब उपयोग किया जाएगा तो उस टाइप में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स बात आता है सप्लीमेंट्री रिवाइज, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज का बात जब आएगा, तो सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज में क्या होता है कि इसमें
जब सप्लीमेंट्री जब फिर से जब तैयार होगा एस्टिमेट और उसके बाद में जब उसको पूरा रिवाइज होगा तो हम लोग इसका यूज करते हैं सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट का। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इसका कब उपयोग करते हैं तो इसको हम लोग जब जब कोई बिल्डिंग बन रहा है अगर उसको हमको पार्शियली अबैंडन मतलब कुछ समय के लिए अगर उसको हम छोड़ दिए बिल्डिंग में वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है तब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा अगर बिल्डिंग में पार्शियली अबैंडनड अगर हो गया पार्शियली अगर छोड़ दिया गया है जैसे एक आध दो महीना महीने के लिए या वन तो जैसे 3-4 मंथ्स के लिए तो इस टाइप में अगर छोड़ दिया जाए कंस्ट्रक्टिव जो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको तो उस टाइप में हम लोग सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट का उपयोग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि पार्शियली अबैंडनड रहे और उसमें भी क्या कि अगर और एंड एस्टिमेटेड जो कॉस्ट वहाँ है रिमेनिंग वर्क का रिमेनिंग जो वर्क हो रहा है जो बचा हुआ वर्क है रिमेनिंग वर्क मतलब क्या जो बचा हुआ काम है जैसे अबैंडन मतलब क्या छोड़ दिया मतलब कुछ काम हुआ उसके बाद में छूट गया तो वो जब रिमेनिंग वर्क जब रहेगा रिमेनिंग जो वहाँ पे काम रहेगा उसको कितना रहना चाहिए रिमेनिंग वर्क को यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि रिमेनिंग जो वर्क है वो 95% ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन से कम रहना चाहिए 95% से लेस रहना चाहिए। ये पॉइंट फिक्स है कि 95% से वहाँ पे कम होता है ओरिजिनल सैंक्शन का किसका तो ऑफ ओरिजिनल जो ओरिजिनल सैंक्शन किया गया है मैंने उसका 95% से कम रहना चाहिए रिमेनिंग वर्क का कॉस्ट वहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क हो उसमें 95% से कम लगे तो हम लोग रिवाइज और सप्लीमेंट्री का उपयोग करते हैं ओरिजिनली सैंक्शन से 95% कम रहना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझे क्या कि पार्शियली अबैंडनड एंड रिमेनिंग वर्क 95% लेस ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन जो ओरिजिनल सैंक्शन हुआ मनी उसका 95% से कम होना चाहिए रिमेनिंग वर्क का जो रिमेनिंग जो काम होगा उसका वहाँ पे जो वैल्यू होगा 95% से कम होना चाहिए। ये पार्शियली अबैंडनड रहता है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सेकेंड जो पॉइंट आता है सेकेंड पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि क्या कि जब कब हम लोग इसका उपयोग करते हैं तब व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन एंड चेंजेस इन द डिजाइन जब क्या अब मटेरियल डेविएशन हो मटेरियल डेविएशन मतलब क्या कि हम लोग एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं मतलब कि जैसे कोई मिक्स लेकर चल रहे हैं 1:3, 1:2:4 का और वहाँ पे जो मेन मेंबर है वो बोल रहा है कि नहीं आप लीजिए 1:2:4 नहीं लेकर 2:4:8 लीजिए तो इस टाइप में जब रहेगा वेरिएशन होगा तो यहाँ पे मटेरियल भी बढ़ जाएगा सीमेंट बढ़ेगा सैंड बढ़ेगा उसके बाद में और बार जो क्वांटिटी होगा वहाँ पे बढ़ जाएगा तो जब मटेरियल एंड डिजाइन का वेरिएशन हो डिजाइन वेरिएशन बोलने का मतलब क्या कि जैसे अगर बोला जाए कि एक जो वहाँ पे लैंड होगा इस पर हम लोग मान के चले हैं कि ये फर्स्ट रूम हो ये सेकंड रूम हो और उसके बाद में यहाँ पे वरांडा टाइप में छोड़ दिया जाए यहाँ पे कुछ पार्किंग के लिए अलॉट किया जाए और यहाँ पे कुछ स्टेयर्स के लिए ठीक है। अगर फिर से वो जो मेंबर है वो जो डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करवाना चाहता है जैसे ये जो लैंड था ये लैंड को क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे भी आप एक रूम छोड़ दीजिए फिर एक रूम यहाँ छोड़ दीजिए फिर एक रूम यहाँ छोड़िए फिर एक रूम यहाँ छोड़िए ऐसे चार रूम आप छोड़िए और उसके बाद में हम यहाँ आगे में पार्किंग में लगाएंगे तो इस जो डिज़ाइन में जो चेंजेज होगा तो मटेरियल एंड डिजाइन वेरिएशन आप लोग समझ गए कि कैसे डिजाइन वेरिएशन होगा तो इस टाइप में जब चेंजेस होगा तो हम लोग सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट का उपयोग करते हैं। तो दो पॉइंट आप लोग समझें क्या कि फर्स्ट मटेरियल एंड डिजाइन वेरिएशन जब रहेगा तो हम लोग सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज का उपयोग करेंगे और क्या हम लोग उपयोग कर सकते हैं कि अगर एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ वर्क इट इज़ फाउंड द ओरिजिनल एस्टिमेट इज एक्सेसिव देन डिविजनल ऑफिसर्स मेड सैंक्शन अ रिवाइज एस्टिमेट ऑफ रिड्यूस अमाउंट। अगर देखिए ये जब सप्लीमेंट्री और रिवाइज एस्टिमेट और कब उपयोग आ सकता है कब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि सप्लीमेंट्री और रिवाइज एस्टिमेट ड्यूरिंग द वर्क जब वर्क जब काम हो रहा है जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है अगर उस समय हम लोग अगर देखें कि कॉस्ट अब बढ़ रहा है जो कॉस्ट है वो एक्सीड कर गया कि हम लोग माने कि इतना ही कॉस्ट लगना चाहिए उससे ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग फिर से उसका ओरिजिनल फिर से उसका मनी का सैंक्शन करवा सकते हैं। तो ये आता है थर्ड पॉइंट में बोला गया क्या कि अगर ड्यूरिंग वर्क कॉस्ट अगर एक्सीड कर जाए तो वहाँ पे फिर से हम लोग मनी को सैंक्शन करवा सकते हैं बाय द गवर्नमेंट जो रिड्यूस अमाउंट में हो जब सैंक्शन करवाएंगे तो रिड्यूस करवा देंगे अमाउंट
रिड्यूस अमाउंट में जब हो तो उसको हम लोग सैंक्शन करवाएंगे। तो ये आप लोग तीन पॉइंट से समझे, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट। सबसे फर्स्ट पॉइंट था पार्शियली अबैंडन एंड रिमेनिंग वर्क इस स्मॉलर देन 95% ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन। जो वहाँ पे अबैंडन्ड प्लेस हो, अगर वहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है, तो उस समय में हम लोग 95% अगर रिमेनिंग वर्क हो जिसका 95% से कम हो ओरिजिनल सैंक्शन का, तो हम लोग सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज का यूज करेंगे। फिर आता है मटेरियल एंड डिजाइन वेरिएशन। जब मटेरियल और डिजाइन वेरिएशन हो तब हम लोग सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज का यूज करते हैं। फिर आता है ड्यूरिंग वर्क कॉस्ट एक्सीड, एंड अगर कोई काम हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस समय में कॉस्ट बढ़ जाता है, तो हम लोग सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट का उपयोग करेंगे। और उसी समय में क्या मैनी के हम लोग सैंक्शन करवा लेंगे रिड्यूस अमाउंट में। तो यहाँ पे आप लोग समझें कि फोर पॉइंट क्या, फोर में क्या था, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। अब बात आता है फ्रेंड्स एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट, जो कि फाइव पॉइंट है हम लोग का। फाइव पॉइंट में क्या बोला गया है कि एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। सबसे आगे इसको बात करते हैं, एनुअल रिपेयर मतलब क्या होता है, जो हम लोग का पर ईयर में जो वहाँ पे कॉस्ट जो हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका मेंटेन करने में बिल्डिंग को, जैसे पेंटिंग और इंटरनल जो जो वॉशिंग, वाइट वॉशिंग और भी जो डोर्स विंडोज में ये सब जो काम होगा, तो ये सब में जब हम लोग उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट में लेते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है क्या, सबसे फर्स्ट पॉइंट में बोला जाता है कि ये इसको हम लोग कब बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं क्यों, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर को, जो हाँ स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला जाता है कि मेंटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। टू मेंटेन स्ट्रक्चर, जो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट जो आता है मेंटेन स्ट्रक्चर, उसके बाद में एंड जो वहाँ पे जो वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर और सेफ कंडीशन में, जो हम लोग पे वहाँ पे वर्क हो रहा है उसको प्रॉपर ऑर्डर, वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर और सेफ कंडीशन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कि सेफ कंडीशन में रहे, वहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो प्रॉपर ऑर्डर में रहे, मतलब अच्छा से हो जाए, और सेफ कंडीशन में। सेफ कंडीशन बोलने का मतलब क्या, कि उसमें कोई ज़्यादा वहाँ पे नुकसान नहीं हो वेदरिंग और क्लाइमेट के कारण। तो वहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं क्या, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, बिल्डिंग को मेंटेन करते हैं, स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, और जो वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसको सेफ कंडीशन में हम लोग रखते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट आता है फ्रेंड, सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि अगर बिल्डिंग में कोई इंटरनल जो काम हो रहा है, जैसे इंटरनल वर्क में क्या हम लोग ले सकते हैं, व्हाइट वॉशिंग हम लोग अगर करवा रहे हैं तो वो, और क्या कि पेंटिंग, वाइट वॉशिंग और पेंट अगर लगा रहे हैं, पेंटिंग ऑफ डोर्स और विंडोज इसके लिए उपयोग करेंगे, पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज के लिए जब कॉस्ट जाएगा तो उसको हम लोग लेते हैं एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट में। यहाँ दो पॉइंट में आप लोग समझे। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट क्या है मेरा कि इसमें जो अमाउंट होगा, जो एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट का जो अमाउंट होता है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अमाउंट होगा जब हम लोग इस एस्टिमेट को तैयार करेंगे तो इसका अमाउंट कितना रहना चाहिए, इसका अमाउंट 1.5 to 1.2% ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन के मनी का रहना चाहिए। जो ओरिजिनल सैंक्शन करवाया गया है मनी, उसका 1.5 to 1.2% ही रहना चाहिए एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस में। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाला चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कैसे, कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन मनी इज यूज इन एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट, तो हम लोग कितना बोलेंगे, 1.5 to 1.2%। अब इसका जो अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट में क्या बोला जाता है कि फॉर रोड वर्क्स एनुअल रिपेयर एस्टिमेट प्रोवाइड्स फॉर पीच रिपेयरिंग, रिपेयर्स ऑफ ब्रिजेज एंड कल्वर्ट के लिए। अगर रोड वर्क्स में, ये तो इतना काम हुआ बिल्डिंग में, अगर रोड वर्क के लिए भी तो एस्टिमेट तैयार होगा,
तो रोड वर्क्स में क्या क्या लिए हम लोग यूज करते हैं, तो रोड वर्क्स में हम लोग उपयोग करते हैं कि जैसे सबसे फर्स्ट में पीच रिपेयरिंग के लिए, जो वहाँ पे पीच जो रिपेयर करवाएंगे उसके लिए, और उसके बाद में फ्रेंड आता है कि रिपेयर्स ऑफ ब्रिजेज एंड कल्वर्ट्स के लिए, फिर आता है रिपेयर्स ऑफ ब्रिजेज, जो ब्रिज होगा उसका रिपेयरिंग में कॉस्ट जाता है, और कल्वर्ट में ब्रिजेज और कल्वर्ट्स के लिए। तो ये हम लोग का तीन पॉइंट्स हुआ, चार पॉइंट्स में हम लोग समझें। इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं कि अगर डैमेज हुआ बिल्डिंग ड्यूरिंग मॉनसून और एनी वेदरिंग कंडीशन में, तो उसको हम लोग एनुअल रिपेयर में हम लोग यूज करते हैं कि एनुअल रिपेयर एस्टिमेट में हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट भी बोला जाता है। उस समय जो एनुअल रिपेयर में होगा उसको स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट के रूप में तैयार करते हैं। अगर वेदरिंग में, अगर मॉनसून किस कंडीशन में, अगर मॉनसून और एनी वेदरिंग कंडीशन, मॉनसून और बोल सकते हैं वेदरिंग कंडीशन में, वेदरिंग कंडीशन में अगर बिल्डिंग को नुकसान होता है, डैमेज होता है, डैमेज ऑफ बिल्डिंग देन हम लोग किसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स, तब हम लोग एनुअल रिपेयर एस्टिमेट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझें, यहाँ हम लोग यहाँ पांच पॉइंट से समझें। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, मेंटेनेंस स्ट्रक्चर एंड बाकी इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन के लिए उपयोग करते हैं। फिर आता है वाइट वॉशिंग पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ के लिए, और जो अमाउंट होगा एनुअल रिपेयर का 1.5 to 1.2% ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन से रहना चाहिए। रोड वर्क में पीच रिपेयरिंग और रिपेयर्स ऑफ ब्रिजेज और कल्वर्ट्स के लिए उपयोग करते हैं। अगर जो बिल्डिंग है उसको अगर वेदरिंग कंडीशन या मानसून में अगर कुछ डैमेज होता है बिल्डिंग का, तब हम लोग उपयोग करते हैं एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट का। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स के फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट आता है हम लोग का सिलेबस का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, यूजेज ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट का यूज कहाँ है, हम लोग उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में अगर बोलें कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इन गवर्नमेंट अथॉरिटीज में, इन गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट वहाँ पे सरकार होगा वहाँ पे, जो ओरिजिनल जब हम लोग जब एस्टिमेट तैयार होता है तो सब कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करता है वहाँ पे अपना अपना जमा करता है कि हम लोग इतना इस कॉस्ट को बनाने में, इस जो वर्क को बनाने में इतना हम लोग सैंक्शन करवाएंगे। तो जिसका सबसे लो होता है और जिसका सबसे अच्छा डिटेल्ड एस्टिमेट होता है उसको सरकार क्या करता है, सैंक्शन करता है। मैंने तीन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, डिटेल्ड एस्टिमेट का हम लोग वहाँ पर उपयोग कैसे करते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट यूज होता है वहाँ पर कैसे, फॉर ऑब्टेनिंग टेक्निकल सैंक्शन, जो टेक्निकल सैंक्शन के लिए ऑब्टेनिंग टेक्निकल जो सैंक्शन करवाया जाएगा मनी का, उसमें हम लोग उपयोग करते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट का। और उसके बाद में क्या कि इसमें जो टेक्निकल सैंक्शन होगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो अलग अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होगा उसके द्वारा जो टेक्निकल सैंक्शन को मनी ऑब्टेन करने के लिए जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर जमा करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर द कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख लेते हैं। तो इतना जो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिटेल्ड एस्टिमेट का हम लोग उपयोग करते हैं, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग टेक्निकल सैंक्शन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर कंस्ट्रक्शन। अब सेकंड जो पॉइंट आता है मेरा, सेकंड पॉइंट में बोला जाता है कि डिटेल्ड एस्टिमेट को हम लोग वहाँ उपयोग करेंगे जहाँ पे जो एग्रीमेंट बनता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनता है वहाँ पे हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिख देते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट
और क्या है यहाँ पे एग्रीमेंट लिखते हैं, एग्रीमेंट के लिए, एग्रीमेंट जिसको डॉक्यूमेंट के लिए जब डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है तो वहाँ पे हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट का उपयोग करते हैं। तो था ये सेकंड पॉइंट आ गया मेरा। सेकंड पॉइंट के बाद आता है फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोला जाता है कि डिटेल्ड एस्टिमेट का हम लोग वहाँ उपयोग करते हैं, ये हम लोग का एक गाइड का उपयोग गाइड के रूप में हम लोग को बताता है कि कैसे एक्सक्यूशन ऑफ वर्क में, देखिए जो एक्सक्यूशन ऑफ वर्क बोलने का मतलब क्या कि जो पूरा वर्क होगा एक्सक्यूशन TION एक्सक्यूशन ऑफ वर्क में हम लोग को गाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें हम लोग यूज करते हैं इसको कैसे गाइड के रूप में, ये एक हम लोग को गाइड होता है कि हम लोग को बताता है कि वर्क में क्या क्या मटेरियल चाहिए या कितना कॉस्ट कहाँ जा रहा है, कितना लेबर में जा रहा है, कितना मटेरियल में जा रहा है और ETC में कितना कितना कॉस्ट जा रहा है, ये हम लोग को बताता है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट मेनली हम लोग मटेरियल लेबर और टूल्स प्लांट्स ओवरहेड्स और प्रॉफिट में हम लोग उपयोग करते हैं कि इसका डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे कैसे तैयार किया गया है। तो थर्ड पॉइंट था मेरा कि एक्सक्यूशन ऑफ वर्क में ये गाइड की तरह हम लोग को उपयोग किया जाता है। फिर आता है पॉइंट्स मेरा फ्रेंड्स, फिर पॉइंट्स आता है क्या कि इट हेल्प्स इन कंप्यूटिंग द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड लेबर टू एम्प्लॉयड फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। ये किसके किसके लिए उपयोग किया जाता है हम ठीक से इसके बारे में चर्चा करते हैं, पॉइंट के जरिए समझते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या, ये मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है, मटेरियल जो वहाँ पे मटेरियल यूज होगा उसके लिए, जो वहाँ पे मटेरियल यूज करेंगे हम लोग उसके लिए उपयोग करेंगे। फिर आता है लेबर के लिए कि कितना लेबर वहाँ पे लगाया जा रहा है वर्क को कंप्लीट करने में, फिर लेबर के लिए। फिर आता है टूल्स के लिए, कितना वहाँ पे टूल्स लाया गया, कितना वहाँ पे जो हम लोग अलग अलग टाइप का मशीन ला रहे हैं, अलग अलग टाइप का जो वहाँ पे टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, इक्विपमेंट का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। जैसे क्रेन वगैरह या मिक्सचर ऑफ जो मिक्सचर जो आता है कंक्रीट मिक्सिंग मशीन उसके लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स प्रॉफिट में कि कितना प्रॉफिट हो रहा है हम लोग का पूरा वर्क करने में, ये हम लोग का यहाँ पे चार पॉइंट के जरिए हम लोग समझेंगे क्या कि यूजेज ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। मटेरियल में उपयोग करते हैं, लेबर के लिए उपयोग करते हैं, टूल्स ऑफ प्रॉफिट के लिए उपयोग करते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स यहाँ पे अगला पॉइंट जो आता है हम लोग का, वो क्या बताता है कि डिटेल्ड एस्टिमेट का हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग का इनेबल्स बार चार्ट मटेरियल शेड्यूल ETC फॉर द वर्क। जो बार चार्ट मटेरियल जो बनता है, जो बार चार्ट मटेरियल की कितना तेज़ी से काम हो रहा है इसका जो चार्ट बनता है उसके लिए उपयोग करते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट का। बार चार्ट मटेरियल जो शेड्यूल के लिए, जो शेड्यूल ऑफ वर्क के लिए हम लोग उपयोग करते हैं उसमें शेड्यूल कि कितना दिन में काम कंप्लीट होगा बार चार्ट और शेड्यूल के लिए उपयोग करते हैं। तो इतना पॉइंट के जरिए हम लोग समझें कि यूजेज ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट क्या था। सबसे फर्स्ट में क्या कि इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिटेल्ड एस्टिमेट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग टेक्निकल सैंक्शन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंस्ट्रक्शन। जो अलग अलग जो अथॉरिटी होता है जो अपना मनी के सैंक्शन करवाने के लिए गवर्नमेंट के पास में अपना एस्टिमेट को देता है तो उसमें हम लोग गवर्नमेंट यूज करता है डिटेल्ड एस्टिमेट को। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके बाद जो एग्रीमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें डिटेल्ड एस्टिमेट का यूज होता है। फिर आता है एक्सक्यूशन ऑफ वर्क, एक्सक्यूशन ऑफ वर्क में ये गाइड के रूप में काम करता है डिटेल्ड एस्टिमेट। फिर आता है मटेरियल, मटेरियल में मतलब क्या कि कितना मटेरियल वहाँ पे यूज होगा, कितना सीमेंट और बैग्स यूज होगा और कितना mm मीटर क्यूब में वहाँ पे सैंड यूज होगा और भी जैसे लेबर में कितना कि कितना नंबर ऑफ लेबर डेली वर्क करेगा, कितना पर आवर वर्क करेगा या पर डे काम करेगा, इस टाइप में हम लोग उपयोग करते हैं लेबर का। फिर आता है टूल्स, टूल्स में जैसे क्रेन मशीन, क्रेन वगैरह या जो मिक्सर के वगैरह ये सब के लिए जो हम लोग मशीन को लाते हैं तो उसमें खर्च होता है तो टूल्स में उपयोग होगा। फिर प्रॉफिट की कितना वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है पूरे वर्क में उसके लिए। फिर आता है बार चार्ट और फिर आता है शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ टाइम कितना टाइम में वहाँ पे वर्क कंप्लीट होगा इसके लिए उपयोग करते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट का। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अगले यूनिट में हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में। जो सेकंड यूनिट है हम लोग का डिटेल्ड एस्टिमेट, ये यूनिट में यहाँ पर तक कंप्लीट होता है कि यूजेज ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट लास्ट पॉइंट था हम लोग का।
तो अगर आप लोग को ये सब पूरा समझ में आया है तो कमेंट में बताइए कि आप लोग को कहाँ दिक्कत है। अगर समझ में आया है तो यस लिखकर भेजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो वहाँ पे आप लोग रीज़न बताइए कि कहाँ समझ में आप लोग को नहीं आया, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग वहाँ उसका रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ तक ही इस वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू फ्रेंड्स।